जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? ठीक ठाक होंगे अल्लाह की रहमत से आप। अच्छा, मैं ना मुजफ़्फ़राबाद की तरफ हम जा रहे हैं, तो रास्ते में बड़ा प्यारा व्यू आया था, तो मैंने कहा नाज़रीन को दिखा दूँ, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। ये सारा जो दरख्त देखे इतने माशाल्लाह लंबे लंबे, तो हैदर आप इधर दिखाएँ, हैदर साहब आप इधर आएँ, ये दिखाएँ कितने लंबे लंबे दरख्त हैं, और ये पहाड़ देखें, सारा जो समय इतना ज़बरदस्त है कि आपको क्या नज़ारे बताएं। ये सामने देखे दरख्त ऐसे, क्या खूबसूरती है जी। नाजरीन, हम ये ग्वाला और दरिया नीलम के पास से गुज़र रहे हैं। आपके सामने ये मंज़र कैमरामैन दिखाएगा मेरा, तो नीचे भी आपको सामने गाड़ियां आ रही हैं, जो ये भी दिखाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम ग्वाला बढ़ रहे हैं, दरिया नीलम ये साथ साथ हमारे चल रहा है आपके सामने है। हैदर साहब नीचे भी ज़रा कोशिश करें कैमरा लगाने की, अगर लग सकता है ग्वाला फिर चौंक पहुँच कर हम बात करते हैं आपसे मज़ीद। नाज़रीन, हम ये नीलम पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, नीचे नीलम है दरियाए, और ऊपर से फिर मुजफ़्फ़राबाद की तरफ, ग्वाला की तरफ सॉरी, तो फिर आगे मुजफ़्फ़राबाद की तरफ, ये नीचे आपको दिखा सकता है मेरा कैमरामैन। तो जनाब, हम आखिरकार नीलम जो झील है दरिया की, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये चार पहियाँ लगी हुई हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, तो ये चार पहियाँ लगी हैं, सब लोग बैठे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं फौजी साहब से भी बात करूँगा साथ साथ। जी फौजी साहब, कैसा आपको लग रहा है, कैसा इधर इंटरटेनमेंट हो रहा है? ये बहुत अच्छी जगह है, इसको जगह का नाम है ग्वाला पुल। ये जो कश्मीर में क्रॉस करता है मुजफ़्फ़राबाद बाग, आगे पीछे दोनों तरफ सड़कें जाती है, जिला बाग, जिला बाग भी इधर से सड़क जाती है और मुजफ़्फ़राबाद भी इधर से जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ लो कि दोनों मरीग और इसको मिलाते हैं कश्मीर को। चले आगे बढ़ते हैं, आपसे बातें होती रहती हैं, हम वो दोस्त से भी बात करेंगे, ये साथ जो चप्पल वाला है इससे भी बात कर लेंगे। तो भाई बात सुनो, ये चप्पल रख के बैठा लोगों की, जो ये चप्पल, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये चप्पल आप रख के बैठे हो, क्या ये रेंट पे देते हो? ये किराए पे दे रहे हैं। कितना किराया है इसका? 50 रुपये होता है, जिसमें चप्पल जमा भी करते हैं, साथ साथ पे ये पहनने के लिए देते हैं चप्पल। अच्छा, पहनने के लिए चप्पल देते हैं, यानी पानी गर्म है ठंडा है? पानी ये आजकल ठंडा है, मगर ये गर्मी में जो है ना गर्म होता है। अच्छा, गर्मियों में गर्म होता है, ठंडा है एक हाफ ठंडा है, फुल ठंडा है, हाफ ठंडा। हाफ ठंडा किधर करके? हाफ ठंडा ये वाला जो छोटे वाला, फुल ठंडा वो सामने वाला नीलम जो ये कागाना रंग छा रहा है, वो ज्यादातर जो है ना बर्फ पिघल के आ रही है, नीलम वाला बर्फ पिघल के आ रही है। अभी बर्फ इधर नहीं पड़ी इस इलाके में? नहीं, यहाँ पे अभी बारिश जो है ना अभी नहीं हुई है, तकरीबन 5-7 दिन में, 10 दिन तक शायद बारिश हो जाए। मैं अभी जब भी बारिश होगी यहाँ पे बर्फ के चांस है, बर्फ पड़ जाएगी। अभी किधर पड़ रही है बर्फ आपको बताओ तो? अभी तो कागा नारायण में है, उस साइड पे, यहाँ पे नहीं है, कागा नारायण पे अभी बर्फबारी शुरू है, यहाँ पे अभी नहीं, अभी नहीं है मौसम है, तकरीबन अगर कल ही बारिश होगी तो परसों बर्फ होगी। और फौज साहब ये तो कह रहे हैं ये हाफ गर्म है, और दूसरा कह रहे हैं जो बर्फ से खुरके आ रहा है वो ज्यादा ठंडा पानी। हाँ, ये इधर से नालों का पानी जो है वो थोड़ा गर्म है, और जो नीलम का वो फुल ठंडा होता है, वो फुल ठंडा होता है। अच्छा, क्योंकि वो बर्फ से आ रहा होता है। जी जी जी। ये अच्छा, ये बात करें हम केर आठ मकाम से जो गुजरता है ना, वो वहाँ से जूरा वगैरह जहाँ के इंडिया का बॉर्डर मिलता है। अच्छा अच्छा, इसी दरिया के बर्फ से ऊपर से हम इंडिया में भी निकल जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे होता है काम, ये आप देखे सामने सब। अच्छा, इंजॉय करते हुए, इंजॉय करते हुए हम नीचे जा रहे हैं। बहुत फैमिली, सरगोधे से, कोई फैसलाबाद से, कोई लाहौर से आई जी, कोई मियाँ वाली सरगोधा जहाँ उधर से फैमिली है ये आई हुई है और अपनी इंजॉय कर रही है, तो आप भी नाजरीन देख सकते हैं। अच्छा चले बाहर आ जाए, इधर वो इधर बुला रहे हैं, इधर आ जाए जी, ये बंदा हमारे साथ साथ है, ये कह रहे हैं नहीं जी आप इधर आए। भाई बात सुनो, हेलो बात सुनो, आगे आगे किधर जा रहे हैं? ये पहाड़ सा ये देखो कटा हुआ ना मंजर है साथ में, तो ये भाई हमारे साथ साथ है। बात सुने, क्या नेम है? नेम 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 क्या आपका? रफी रहमान। क्या? रफी रहमान। रफी रहमान इधर ही खड़े हो जाए। रफी रहमान, ये हाफ गर्म है ये वाला पानी? नहीं, ठंडा है, ये भी काफी पानी ठंडा है ना, पाँव रखे तो सुन हो जाते हैं। दूसरा वो दरिया का पानी है जना, दरिया नीलम, झेलम,
वो दरिया का पानी है, दरिया नीलम है, दरिया झेलम है और दरिया कोनार, तीन दरिया मुजफ्फरबाद शहर से मिलते हैं। अभी गर्म पानी का कोई चक्कर नहीं, गर्म पानी का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ठंड है? ठंड जी जी, ठंडा पानी है। अच्छा। पानी जाना पानी चश्मे जाना। चले हम भी वो चारपाई पे उधर खड़े होकर आपसे बात करेंगे, आगे बढ़ते हुए। जी नाजरीन, हम अपनी मंजिल पर आखिरकार पहुँच ही आए हैं जहाँ पर हमें पहुँचना था और आपको सरप्राइज देना था। नीलम झील, दरिया जो गर्म भी ठंडा भी, और गर्मियों को गर्म और सर्दियों को गर्म और गर्मियों को ठंडा। ऐसे भाई साहब जिधर आ जाए, भाई साहब मेरे पास आ जाए, अब कट बाट देंगे। इधर हाथ मारो पानी को, भाई साहब जरा ध्यान से हाथ पकड़ाएं, हाथ पकड़ाएं और पानी मुझे हाथ मेरे पानी हाथ को लगाना है आपने, मुझे पता चले ये कितना ठंडा है। इसमें बंदा आ सकता है, बंदा बड़ा ज़बरदस्त जी, बड़ा ज़बरदस्त। यानी कि पानी इस टाइम ठंडा आ रहा है, जो ऊपर है वो थोड़ा गर्म है, ये ठंडा है। ये जब बर्फ पड़ेगी नाजरीन तो ये पानी गर्म होगा, आएगा। ये नीलम झील, ये कौन सा पुल है जी? ये कोहला पुल है जो कश्मीर मरी को मिलाता है और मुजफ्फराबाद, कश्मीर मरी और मुजफ्फराबाद को और जिला बाग के को रास्ता निकालने के लिए ये वो पुल है, यही वो जगह है। तो जिधर अभी हम खड़े हैं और इसको दरियाए नीलम बोलते हैं। जब इधर से गुजरता है तो फिर ये झेलम बन जाता है। तो जब सलाब आया था, दरिया चढ़ गया था, नीलम भी चढ़ा था। हाँ जी, उस टाइम ये नीलम में बहुत पानी था, ये अभी पानी इसमें कम है। इसलिए कि वो इंडिया ने जो दरिया अपना बंद किया हुआ है ना, जो इसमें पानी आता था वो इसलिए भी कम है। जिधर हम खड़े हैं ये इधर पानी होता था, ये पत्थर जो बीच में आ रहे हैं, ये नाजरीन पत्थर दिखाए जाएं, सारे पत्थर दिखाए जाएं, जबरदस्त किस्म के पत्थर हैं। ये देखें नाजरीन, ये कितना बड़ा पत्थर खड़ा हुआ है, ये कहां से टूट के आ गया इतना बड़ा पत्थर? आखिरकार ये पत्थर कहां से आते हैं इधर? ये पहले से होते हैं, पहाड़ियों में ही पैदा होते हैं, इधर ही ये जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, खारिज भी हो जाते हैं? हाँ, फारग भी हो जाते हैं जब पानी आता है ज्यादा, इनको साथ मिला के ले जाते हैं आगे। अच्छा, इसका कचरा बनता रहता है? कचरा बीच में बनता रहता है, पत्थर बनते रहते रहते हैं, पत्थर भी बनते हैं, कुदरती तौर पर ये पत्थर बनते हैं बस ऐसे ही। अच्छा, ये फौजी साहब ये बताएं, ये अब तक कितना गहराई होगी इस पानी की? इसकी कोई गहराई? पानी दिखाएं जी, पानी दिखाएं, सारा पानी दिखाएं। आज भी इसकी गहराई गोरे भी नहीं लगा सके हैं कि नीलम दरिया की कितनी गहराई है। अच्छा, ये आज अभी हमें थोड़ा पानी नजर आ रहा है मगर ये बहुत ज्यादा डूंगा है। हाँ जी। तो नाजरीन ये पुल दिखाए हैदर, ये कोहला नया पुल है, कोहला नया पुल, ये ऊपर से देखे, कोहला नया पुल ऊपर से देखे गुजर रहा है। ये मंजर, ये मनाजर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं हमें कि हम अपने वादे पर पूरा उतरे हैं। सरप्राइज और भी आगे है, अपना दिल थाम के रखें, आपको और भी सरप्राइज मिलेगा, क्यों भाई साहब? बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज देंगे आपको। नाजरीन आप हमारे साथ मिले रहें और देखें कि क्या क्या हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब ये बताएं, ये पानी पीने से बीमारियां खत्म होती हैं? हाँ, ये बिल्कुल पानी है, कुदरती पानी है, कुदरती पानी है, साफ पाक पानी है, इसे पिए बीमारियां खत्म होती हैं। पी सकते हैं, नहा सकते हैं, नहा सकते हैं, जो मर्जी से आप कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। लो जी, हमारा आज का व्लॉग एंड पर पहुंच रहा है। आपको व्यूअर पसंद आया नहीं आया नाजरीन हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ।